वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जय माता जी सभी को। मैं विशाल नाथ। 2 दिन पहले जो अमृतसर में घटना हुई, कुछ नांग सिंह जो है चर्च में पहुंच गए और वहां पे उन्होंने जो है बोला कि हम सिर्फ अपने पग्गों वालों को लेने आए हैं। अब मेरे को इस बात पे, देखो बुरा मत मानना, एक विचार करते हैं, अगर हम हिंदू समाज भी ऐसे पहुंच जाए और हम कहे कि ये जो अमृत शकने आए ये हिंदू है, हम तुम्हारे से बात करनी है नहीं, चलो हम भी घराब कर लें, फिर क्या चीज, फिर कैसा लगेगा? जो हिंदू भी घराब करना शुरू कर दे कि भाई तुम हिंदुओं को सिख क्यों बना रहे हो, फिर देखा जाए तो हिंदू सिख बनी जा रहे हैं, अच्छी बात है। हमने तो कभी विरोध नहीं किया, ना शायद करेंगे, क्योंकि हमने सिखों को अलग नहीं सोचा। लेकिन अगर कोई सिख, अमृतधारी सिख मंदिर चल जाए तो बवाल खड़े हो जाते हैं, एसजीपीसी की मीटिंग हो जाती है। क्रिश्चियन भाईचारा जो है, मैं क्रिश्चियनों को सल्यूट मारता हूं सबसे पहले, मैं यही बोलूंगा चाहे क्रिश्चियन मुस्लिम चाहे किसी भी धर्म का है, किसी के धर्म स्थल में जो जाए छित्तर खा के आना चाहिए। ऐसी पटियाला में जब गए थे ना, एक ही बंदे ने दौड़ा दिए थे सारे, क्यों? क्योंकि किसी के स्थान पर तुम लोग जाओगे, किसी के प्रेयर कर रहा है कोई बैठकर, और अगर ये भाई क्रिश्चियन चुप बैठे हुए हैं, अभी तो तुमने भाइयों से कुट खानी है, अभी तो भाइयों ने कुटना शुरू किया हुआ है। मैं बोल बोल कर थक गया, जब मैं बोलता हूं तो फिर बोलते हैं यार विशाल नाथ तू तो जो है तेरे को हम भाई मानते हैं, तू हमारे खिलाफ बोल रहा है। ओ भाई मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारे पक्ष में बोलता हूं, तुम्हारे आने वाला भविष्य बताता हूं। अब कौन सी बुड़के मारोगे? औरंगजेब की गोद से उतर के आज का इतिहास, आज की बात करो, तुमने आज की क्या किया बताओ, आज क्या किया बताओ, आज की अपने सुरमा वाली बात बता दो। जितने नांग सिंह थे, श्री साहब का एक असूल होता है, श्री साहब का असूल क्या होता है कि श्री साहब अगर निकल गई, यानी कि कृपान एक बारी निकल गई, पहले बोल रहा था कि सिख कभी कृपान नहीं निकालता, और अगर सिख ने कृपान निकाल दी तो बिना खून के वापस नहीं डालता। ये डंडों की तरह तलवारें लहराते हुए चार पत्थर पड़े जो दौड़े हैं 100 की स्पीड में, ब्रंग लिफाफे की तरह जो वापस गए हैं, इन्हें पलट के नहीं देखा। मैं तो सल्यूट करता हूं क्रिश्चियन को भाई, इस मामले में सल्यूट करता हूं, क्यों? क्योंकि किसी के धर्म स्थल में कल को कोई गुरुद्वारे में आकर ऐसी हरकत करे, तुम लोग बर्दाश्त कर सकते हो? तुम ये बात बोलना, अपना बारी में ये हो गया कि भाई हमारा कुत्ता कुत्ता, दूसरे का कुत्ता, हमारा कुत्ता टोमी, दूसरे का कुत्ता कुत्ता वाला हिसाब हो गया कि भाई हम हिंदुओं को, अगर जो है हम हिंदू क्रिश्चियनों को सिख बनाए तो हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे गुरुद्वारे में अगर कोई हल्की सी भी बेअदबी करेगा तो उसको चटका दो, लेकिन दूसरे के धर्म स्थल पे जाकर वहां पर तुम लड़ाई करो, झगड़े करो, और उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई कुछ बोल ले तो इसका मतलब वही लोग गलत हैं। ये दोगलापंथी ना पूरे देश से छित्तर पड़ेंगे इन लोगों को, कौम की बात नहीं कर रहा, सिख कौम योद्धाओं की कौम है, और वो लोग इन बेवकूफियों में नहीं पड़ते। जे चमकौर साहब वालों से पंगा लेकर देख लो, ढेर लगना था वहां पे बंदों का, ठीक है, और नांग सिंह जथेबंदियां हैं जो बैठे हुए हैं, उन लोगों के नाम का भी सोचो, और नांग सिंह की जथेबंदियां भी तो है। जे तुहाडे जिहड़े कहंदे ना कि नहीं सी उधर पिछवाड़े में दम नहीं था तो लेने क्या गए थे? तुम लोगों ने देखा कि भाई हम ये तलवारें लेकर जा रहे हैं, हम तलवारों के साथ जो हमारा रोब है, जो हमारे बड़े बड़े रोप पाया वो आज भी चल जाएगा, और तुम्हारे तो अमृतपाल ने नंगा करके चला गया आधा, मैं तो पिट पिट के थक गया कि इस कौम को बर्बाद कर दिया आधा। जितने तुम सूर में थे ना, उतने तुम भगोड़े बन गए, उतने तुम रिश्वतखोर बन गए, उतने भेड़ों से शादी करने वाले बन गए, रह क्या गए इस कौम के पास? पहले हम कहते थे कोई सिख अगर बस में बैठा हुआ है ना तो माए अपनी बेटियों को बिठा देती थी, ये इस कौम की इज्जत थी। आज ये अपनी भेड़ों से शादी कर रहे हैं, ये इस कौम की आज इज्जत है। कल के सिख जो थे वो 100 पे भारी पड़ते थे, आज ये 100 बंदे 50 पे भारी तो दूर की बात पड़ रहे, पज रहे हैं, ये इनकी आज इज्जत है। और सबसे बड़ी बात है जब सच बोलो तो इनको सच सुना ही नहीं जाता, आ नहीं रहे यहां पे गालियां देने, आ जाओ दे दो। जब अमृतपाल का बोला खालिस्तान खालिस्तान, और तुम लोगों से चार क्रिश्चियन संभले नहीं, अमृतपाल जी बंदे तुम लोग संभले नहीं, वोट के पीछे बिक जाते हो, शराब के पीछे वोट बेच देते हो, रिश्वतखोरी, विदेश जाने के लिए अपनी बहनों से शादी, रंजीत सिंह का राज लेकर आएंगे। 40 साल कोई राज नहीं होता, लेकिन अगर 40 साल किया भी, मुगलों ने 800 साल किया, हिंदुओं ने 5000 साल किया,
ठीक है ना। आ जा आ जा, दल्लेगिरी दिखाओ यहां पे। जब यहां पे सच बोलो ना तो इनके लगती है मिर्चे, जब छित्तर खा के पज्जियो तो पज्जियो, जब गए हो तो छित्तर खा के पज्जियो पज्जियो। तुम्हारा अमृतपाल भी छुपा रहा तो छुपा रहा भाई, काय को टेंशन ले रहे हो, किस चीज की ले रहे हो। सच तो सच है ना, सच सुनने से क्या है। जाओ ये वीडियो अपने जो है ना इंजन महकमे में डाल देना। इनका एक और ग्रुप भी है, वो पता क्या है, इनका एक इंजन महकमा है, वहां पर हर बंदे की 10 आईडी है, तो 10 आईडियों से गालियां देते हैं। जो हिंदू समाज को गलत बोल ले, उस टाइम क्रिश्चियन तब भी चुप बैठे थे, सबर की इंतहा कर दी। किसी के धर्म स्थल में जाना गलत है। मैं कौम जो है ये हमेशा कौम ने इंसाफ की बात की है, हमने हमेशा सदगुरु की बात की। यार किसी के धर्म स्थल में प्रेयर कर रहे जाना सही है क्या? मैं इस चीज को गलत मानता हूं कि किसी के जो है प्रेयर में जा रहे जाना गलत है। और अगर तुम चली गए थे तो भागना तो उससे भी गलत है भाई। और ईंटें पड़ रही थी खा लेते, ये देखो यहां भी निशान है, ईंटें पड़ रही थी खा लेते, मर जाते वहीं पर ही, कम से कम पता तो लगता कि नंग सिंह गए थे। लेकिन नहीं, आजा लाइव आजा बे रंचन सिंह, लाइव आजा, पिछवाड़े में इतनी खुजली हो रही है, शक्ल दिखा अपनी, आजा लाइव, आ लेता हूं लाइव कॉल में। हमने घंटे में तब भी नहीं मारा अमृतपाल को, आज भी नहीं मारते और कल भी नहीं मारेंगे, ठीक है। जिससे जो बनता पड़े आ जाना। साढ़े सारी इज्जत डोब के रखी हुई है, बहनों से शादियां का इन पे आरोप लग गए, रिश्वत खोरी है इनसे लग रही है, बीड़ी सिगरेट है ये है, सब कुछ करी जा रहे हैं, फिर ये कौम जो है अकल नहीं करके आ रही। और वीर पगड़ी वालों को समझाने गए थे, मेरे को गल दसो ना, चलो मैं गल दसो यार, जब बंदा अपनी मर्जी से क्रिश्चियन धर्म कबूल कर रहा है, समझाने का मतलब क्या बनता है? जबरदस्ती। फिर हिंदू क्यों नहीं जाते? फिर हिंदुओं को भी आना चाहिए, फिर तो या तो अनाउंसमेंट कह दो कि हिंदुओं को भी आना चाहिए, जब हिंदुओं को सिख बना रहे हैं, या तो बात बराबरी की कर लो। लेकिन जब जो भी हुआ समझाने गए थे, भागना गलत है कि नहीं है, पूरी कौम का सर नीचा हुआ है कि नहीं हुआ, बस गुस्सा इस चीज का है। मैं तो कह रहा हूं लड़के आते, डर मर के आते, कुछ तो करके आते, भागते हुए के जो है पूरा सोशल मीडिया हंस रहा है, पूरा का पूरा जो है ना देश हंस रहा है। कौम का मजाक इतना बड़ा उड़ गया, ये पहली बार नहीं उड़ा, अब तो आदत हो रही है। पहले तुम लोगों को फिल्मों में चुटकुले बनाते थे, अब रियल लाइफ में चुटकुले बनी जा रहे हैं। 10 गए थे, डंडे देखकर जो है पत्थर देखकर 2 रह गए, 2 को देख के पीछे भी निकल गया। भागने का क्या मतलब बनता था? श्री साहब की कोई मर्यादा रखनी थी कि नहीं रखनी थी? श्री साहब की कोई मर्यादा रखनी थी कि नहीं रखनी थी? इस चीज का जवाब दे दो भाई। आज भी इस चीज का साथ दोगे? जो नंग सिंह जो जथेबंदी है, मैं वो नहीं कहता नंग सिंह डरपोक है, मैं तो कह रहा हूं श्री चमकौर साहब वाले जथेबंदियों से पंगा लेकर देख लो, तलवंडी साहब की जथेबंदियों से पंगा लेकर देख लो, लेकिन वो इन छोटे मोटे काम में आएंगे ही नहीं, इतने छोटे मोटे काम में आएंगे नहीं। जो मैंने वीडियो देखा है वो वीडियो यही है कि वहां पर सिखों को वो कहते कि हम अपने बंदों को समझाने आए हैं, ठीक है। जब उनकी प्रेयर थी, प्रेयर को रोका गया, समझाने का क्या मतलब बनता है? जब दो दो बाटे करके गुरुद्वारों से निकालना जाता है, तब उनको समझाओ ना, बाबा बकाला में जो है वहां पे जाके समझाओ ना, जहां पे मजबी सिख रंगेटे सिखों को, जहां पे बर्तनों को हाथ नहीं लगाने दिया जाता, वहां क्यों नहीं कोई जाके समझाता? जहां दो दो बाटे होते वहां क्यों नहीं कोई समझा रहा? 30-40 करोड़ सिख तो मैं अभी गिनूंगा उंगलियों पर, 40 करोड़ सिख तो मेरी उंगलियों पर गिने हुए हैं, है कितने? 2 करोड़ भी नहीं है। वो कहां पे गए? 30 करोड़ सिख कभी सोचा कहां पर है? वो इन लोगों के निशान, इन लोगों के शिकार बने हैं। एक वो बंदा था लाली की, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, वहां पे एक सिख बंदा कहता तेरे सताए हुए तब हम क्रिश्चियन बन रहे हैं। तो तुम इस चीज को तो निपटाओ, जब जाके लड़ना है वो बाबे बकाले वाले के वहां पे लड़ो जाकर, जो अमृत जो है जहां पे सेवा नहीं देने दी जाती, जहां तुमने 2 बर्तन कर दिए वहां तो तुम्हारे से लड़ा नहीं जा रहा। इस वजह से जहां तुम लोगों ने संगत पंगत सब अलग कर दी, यहां पर आकर जो है ना लोग क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? और तुम लोग भी तो ब्राह्मणों से बचकर सिख बने ही हो, मुसलमान बने, क्रिश्चियन बने, ब्राह्मणवाद से बचे थे, ब्राह्मणवाद में यही हो रहा था,
आज ब्राह्मणवाद खत्म है, आज ब्राह्मणों का नाम लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। कहीं पे ब्राह्मण जो है कोई अत्याचारी नहीं, ब्राह्मणों का जो राज था वो खत्म हो गया। आज सारा ब्राह्मण वाले पग्गों वाले पंडित आ गए। आज पहले भाई निकले तो कुछ तो पंडितों से आएंगे, वो सोच तो पंडितों वाली सोच थोड़ी खत्म होगी। जात बदलने से डीएनए नहीं खून नहीं बदलता, समझ रहे हो, खून नहीं बदलता। तुम लोग दो बाटे एक में जाओ, जाओ वहां पर बात करो, इक्वालिटी की बात करो, लोगों को इज्जत देने की बात करो। जो अपनी बहनों से शादी कर रहे हैं, सबके छित्तर मारो जाकर, कोई धर्म कर्म के काम करो। भैयों के पीछे पड़े तो भैयों से छित्तर खाने हैं। ओए पंजाब भैयों में नहीं रहता भाई, जो भैये हैं वो पंजाब में नहीं रहते हैं, जो भैये हैं वो पंजाब में नहीं रहते, पंजाब भैयों में रहता है। ओ इतने तो पंजाबी नहीं है जितने भैये हैं यहां पर। जे इकट्ठे भी हो जाएंगे ये लोग, मेहनती लोग है, क्या करोगे तुम लोग। जब पंजाब की 4 करोड़ आबादी है ना, उसमें से 2.5 करोड़ तो भैया ही निकल आएंगे। कोठियां पा के बैठे या सिगरेटें बीड़ियां बेच बेच के कोठियां पाई है, पंजाबी बंदे की रेड़ी नहीं लगने देते, वहां जाकर लड़ो। मैं बताता हूं असली वजह यह थी कि क्रिश्चियन समाज पिछली बार भी चुप रहा, इन्होंने बोला डरपोक समाज है, इनको दबोच लो। यही आई बात सिर्फ कि डरपोक है और डरपोक कौम है जी, दबोच लो और हम लोग जो है इसके बाद बाहर की फंडिंगें खाएंगे कि ये देखो। और तुम खुद क्रिश्चियनों के बीच में रह रहे हो, जब वहां के क्रिश्चियन जो है खुद आधा पंजाब क्रिश्चियनों के बीच में रह रहे, यहां पर क्रिश्चियनों से तकलीफ हो रही है। विदेशों के बताओ ना, विदेशों के हाल बता दो, क्या है विदेशों के हाल, विदेशों में क्रिश्चियनों के बीच नहीं रह रहे, वहां इनका ही गूंत होने जाते हैं। वहां पे कोई वहां पे पाबंदी नहीं है, जब वहां पे इनका गूंत होने जाते हो तो फिर यहां पर जो है या तुम्हारे क्या पढ़ रही है, वहां भी तो क्रिश्चियन ही बनी जा रहे हो। अंग्रेजों से शादी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पीआर के लिए हर पंजाबी बंदा अंग्रेजन से, वहां के सिटीजनशिप से शादी करके अपना धर्म परिवर्तन एक तरह से कर रहा है, तब तो कोई मिर्चे नहीं लग रही है। और बेड़ा गर्क जो तो तुम लोगों ने कर लिया वो कर लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं औरंगजेब की गोद से उतरो। जो हमारे बुजुर्गों ने, मैं हमारी बोलूंगा, जो साडे बुजुर्गों ने, वड्डे वडेरिया ने, शहीद सिंह ने जो एक दबदबा बनाया ना, वो दबदबा रहने दो। वो दबदबा वैसे खत्म होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है और खत्म है, रहा ही कहीं पर कुछ नहीं। इसे बात करो, अब्दाली के टाइम पे हमने ये किया था, वो किया था, दिखा देना वीडियो। आज क्या किया है एक भी बंदा मेरे को, आज सोशल मीडिया से वो आज की गेंद देन दिखा दे कि आज मक्खी बीमारी है कोई। बस बुड़के 24 घंटे बुड़के मारते रहो सोशल मीडिया में। हमने हिंदुस्तान, एक बात याद रख लो, मुंह पर बोलता हूं, ये सूर्य उदय के साथ सनातन उदय हुआ था, समझ रहे है। जिस दिन सनातन कांत होगा ना, उस दिन ये सूर्य उदय नहीं होगा। ये सूर्य उदय करने वाले ना हमारे ऋषि मुनि है, ये जो है ना सूर्य को सूर्य, पानी को पानी, प्याज आलू सब कुछ, खाना कहां से निकालना कहां से हम लोगों ने बताया है। तो हमारे अंत का मत बोला करो कि औरंगजेब जैसे बथेरे आए। औरंगजेब का पहले दरबार जाके देखो क्या था, औरंगजेब के दरबार में 90% हिंदू थे, लेकिन ये जातिवाद था सिर्फ। अगर मराठा और राजपूतों की एकता होती, ठीक है, तो ये बोलो कि लड़ाई लड़ी 14 जंगों में, 14 जंगे लड़कर जो है हिंदुओं की पूरी रक्षा नहीं हो जाती, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी फेंकनी बंद करो, हिंदू समाज के उस टाइम भी कम से कम 100 करोड़ राजाएं थे, आज हिंदू ही नहीं होते। जो हिंदू राजा वहां पे बैठकर अपनी आई तय करवाते थे, उनका भी तो जवाब लो, कभी इतिहास तो पढ़ लो, सुनी सुनाई बात पर मत आया करो। फिर दूसरा मैं हमेशा इनसे पूछता हूं, झूठ मत बोला करो कि 19 बारी दिल्ली जीती है, 19 बारी दिल्ली में हमले किए थे, उसके बाद भी अंदर जाके तखत के लिए आपस में लड़ बैठे थे सारे। सच बताओ ना कि तखत के लिए लड़े थे, वो नहीं बताना कि सच। तो एक तो जितनी ये बुनियाद रखी हुई है ना, आधे ज्यादा झूठ बोले जाते हैं कि जो किया है वो झूठ बोले जाते हैं, ठीक है। शी सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, जो ये हिंदुओं के लिए लाके बुड़के मारते हैं ना, आधे से ज्यादा झूठ है। वो हिंदू ही थे जो लड़ते थे, हिंदू ही पग्गे बांधते थे, कोई धर्म नहीं साझा। गुरु महाराज ने धर्म साझा, पंथ साझा था कि एक पंथ रहेगा कि जो सिर्फ लड़ाका ही रहेगा। इन लोगों ने सारे फलसफे बदल दिए, आज इनको वो चीड़ होगी भी है कि मंदिर के नाम से चीड़ होगी कि मंदिर में कोई सिख देख लो। अभी मैं फोटो डाल दूंगा ना कि मंदिर में कोई सिख जा रहा है, मां बहन एक शुरू हो जाएगी।
और अभी कोई मुसलमान देख लेंगे गुरुद्वारे में तो सारे शेयर करेंगे भाईचारा। काम हिंदुओं नहीं आना है भाई, थोड़ी अकल कर लो। कड़वा है, मेरे को लगता है मैं कुछ गलत भी बोल गया होऊंगा, ठीक है, उसके लिए तुम अपने आप माफी मांगते रहो। मैं मानता हूं कुछ गलत भी बोल गया होऊंगा, लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, इस सब बोलने के अलावा जो हरकतें पंजाब में हो रही है, मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे को बताओ, मेरे पास ऑप्शन बता दो, क्या ऑप्शन है? किसी का कोई ऑप्शन है तो बता दो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा बोलने के। जो तुम कर रहे हो यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब मेरी मां बहन एक करो, मेरे को गालियां दो, क्योंकि सच कड़वा है, जो करना है करो, लेकिन इस वीडियो को चार बारी सुन लेना। सिर्फ ये बोल देना कि तूने यहां पर झूठ बोला, सिर्फ ये बोल देना कि तेरी ये बात झूठ है, वो बस इतना बोल देना कि भाई तू जो बोल के गया वो झूठ बोला। और जो सच नहीं सुन सकते तो फिर कान चेंज करा लो, या फिर मेरे को छोड़ के चले जाओ। और गलत है, गलत है, गलत है, किसी के धर्म स्थल में जाकर लड़ना गलत है, ठीक है, क्रिश्चियनों के चाहे जिसी के भी है, जो वो कर रहे हैं, माइनॉरिटी में तुम भी आते हो, माइनॉरिटी में वो भी आती है, माइनॉरिटी का पैसा तुम्हारे गुरुद्वारों में भी आता है, माइनॉरिटी का पैसा जो है उनके पास भी आता है, वो माइनॉरिटी का पैसा जो है धर्म कर्म में लगा रहे हैं, तुम माइनॉरिटी का पैसा जो है अपने में लगा रहे हैं, बात यह है।